अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। Yeah!
my shoulders, come on. Yeah, that's it, that's a good one. Ow! मुझे जोर से पकड़ लो। मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं और ये जिंदगी भी बहुत खूबसूरत है, इसे बचा के रखिएगा ओके? थैंक यू। ऑलराइट, सी यू, बाय। ब्लडी फूल, यार एक काम करो, गेट मैरिड। तुम शादी के काबिल बिल्कुल नहीं हो यार। पर क्यों मेजर साहब? अरे यार एक भी निशाना सही नहीं लगा। पर मेजर साहब मेरी तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। गई बहस पानी में। अब शॉट कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। समझे? हाय मेजर। हे अजय, लो आ गया दुनिया का सबसे बड़ा बहरूपिया। अरे भगवान का दिया सब कुछ जिसके पास है, फिर भी सबसे बड़ा इंसान टैक्सी ड्राइवर को मानता है। अमा यार ये भी कोई आने का वक्त है? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार, घर पे खाना पका हुआ है। एक मिनट। हेलो साहब, खाने में क्या बनाऊ? बाबा 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 भेजा। किसका भेजा साहब? अबे तुम्हारा भेजा। वो तो है नहीं सर। मेजर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अमाया चलो यार, चले चलो 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 चलो। अच्छा चलिए। अच्छा 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 वन लास्ट ऑर्डर ओके बेटा। यस सर। थैंक यू, चीयर्स। अब बैठ के पिए। जी जी आइए। अच्छा अच्छा यार अजय, वैसे कोई काम बुरा नहीं होता, लेकिन ये टैक्सी वैक्सी चलाना छोड़ दे। तूने एमए किया है, एमबीए किया है, अच्छी खासी आईड है यार, आर्मी में कमीशन मिल सकता है, और घर में तो सब कुछ है तेरे पास। मैं सब जानता हूँ मेजर, और रोज सोचता हूँ कि कल से मैं टैक्सी नहीं चलाऊंगा। तो कोई ना कोई वजह ऐसी बन जाती है कि टैक्सी मुझे हॉर्न देकर बुलाने लगती है, ते ते आ मुझे चला। तो अब क्या वजह बनी है? मेजर आज की वजह ऐसी है कि उम्र भर टैक्सी चलाने को जी चाहता है। ओए 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 ओए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी टूरिस्ट से इश्क हो गया है? नहीं सर, आज पहली बार किसी से मिलकर उसकी याद बार बार आ रही है। क्या आंखें हैं उसकी। अच्छा, इस शराब की तरह खूबसूरत कि उसमें डूब जाए? नो सर, इसे पीकर इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर जिंदगी की खूबसूरती याद आ जाती है और इंसान होश में आ जाता है। ओह, यू आर गॉन ब्रदर, यू आर कंप्लीटली गॉन। मामूली सा ब्लड प्रेशर है, ये गोली ले लीजिए। घबराने की कोई बात नहीं। कमाल है, सारी जिंदगी मुझे हरारत तक नहीं हुई, एक छींक तक नहीं आई, ये कमबख्त ब्लड प्रेशर मेरे गले कहां से पड़ गया? ये तो आपको बचपन से था। आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? हम दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हैं, तुम्हें कोई परेशानी है? लेकिन उस वक्त मैं कहां था? तुम जहन्नम में थे। जहन्नम में? अरे अरे, हमारा और सावित्री का तो
जन्म जन्म का साथ है। ये मेरे रब जी, कुछ तो शर्म करा करिए। लीजिए दवा खा लीजिए। सावित्री, लगता है कि ये ऊपर वाले के बुलावे की पहली घंटी है। तुम मेरे पोते को ब्याह के लिए राजी कर दो, मैं उसकी शादी में नाचना चाहता हूँ। दिन तक। बस भी करिए, आप तो बच्चों से भी गए गुजरे हो जाते हैं जी। लेकिन तुम उसका पता तो करो, कहाँ है, किस हाल में है कमबख्त? किस हाल में? शिमला में है। शिमले में सुबह? और पता है आपको, हर 10 दिन के बाद मुझसे 10,000 रुपए मंगवाता है। लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई तो खत्म हो चुकी है, वो वहाँ क्या कर रहा है? अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। आना मत। जी डॉक्टर साहब, आप तो इन्हें जानते हैं, इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। जाइए जाइए, चलिए आराम से लेट जाइए। शबनम जी, डब्बे में खिचड़ी डालकर लाना, मुझसे कुछ और ज्यादा नहीं खाया जाएगा। ठीक है। आदाब चाचा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चाचा कहाँ जाने की तैयारी है? बस बेटा वही काम पर, और कहाँ जाना। टाइफाइड से उठे हैं, जरा सी एक्सर्शन करेंगे तो रिलैप्स हो जाएगा, फिर महीनों के लिए बिस्तर पकड़ लेंगे। समझाइए ना चाची। अरे ये मेरी सुनते ही कब है, जो 2-4 रोज काम पे ना जाते तो कुछ हो जाता क्या? अरे भाई यही तो 4 दिन है टूरिस्ट सीजन के, फिर तो घर में ही बैठना है। चाचा टूरिस्ट सीजन है तो ये आपका बेटा किस काम आएगा? नहीं बेटा नहीं, ये रोज रोज का तुम्हारा टैक्सी चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर टैक्सी तुम्हारे बैठने के लिए है, चलवाने के लिए नहीं बेटा। अच्छा तो वो दिन भूल गए आप जब आप मुझे क्लब से हॉस्टल और हॉस्टल से कॉलेज ले जाया करते थे और पैसे भी नहीं लिया करते थे। बेटे तब तो तुम इतने गहरे और पुराने रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। चाचा आप आराम करिए, शाम को आपके पैसे मिल जाएंगे। बाय चाचा। बाय चाची। अल्लाह इस बच्चों को ऐसे हंसता खेलता रखना, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। आमीन। अजय कितना ख्याल रखता है हम लोगों का, ऐसा लगता है जैसे कि हमारा अपना बेटा हो। अच्छा है ना? हाँ वेरी सूदिंग। ये रही टैक्सी। आप लोगों को घुमाने के लिए टैक्सी लेकर आया हूँ। कल आपने? कल तो गुजर चुका है मैडम, इट इज अ बाउंस चेक, आज को कैश कीजिए। मैडम शायद ये आपका कागज है जिस पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर लिखा है, लीजिए। ओ यस, ये वाकई इंपॉर्टेंट नंबर है, मगर मिस्टर अजय। ओ लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये नंबर मेरा ही है? हम तो दीन हैं। मैडम जिस लिपस्टिक से ये नंबर लिखा गया है वो लिपस्टिक सिर्फ आपने लगा रखी है। चले या आइए बैठे, चलते हैं। चलो।
इसे बार बार देखने को क्यों जी चाह रहा है। लगता है ये बात दादू को बढ़ा चढ़ाकर बतानी ही पड़ेगी। कई दिनों से बात करने का बहाना ही नहीं मिल रहा था। हाँ, जनक प्रसाद आया सर। यस सर। अरे सैल्यूट क्या मार रहे हो, मेरा मोबाइल फोन कहाँ है? वन मिनट सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अरे हेलो, मिल गया सर। अबे बंद कर। रात को थोड़ी कम पीजिए ना। गेट आउट। यस सर। रात को थोड़ी कम पीजिए, मुझे सिखाएगा। अरे लाला जी, अगर आप सारा दिन ऐसे ही पांच बातें रहेंगे तो शेव करने में एक दिन पूरा लग जाएगा, और ऊपर से मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। तो लग जाने दो, मुझे कौन सा पार्लियामेंट अटेंड करना है भाई? भाई आपको तो पार्लियामेंट नहीं अटेंड करना है, लेकिन मैं अगर एक दिन में एक शेव करूंगा तो बीवी बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? आप पान फूंक दीजिए। क्या मैं पान फूंक दूं? तू ऐसा कर कि तू शाम को आ जाना, जब तक मैं पान खा चुका हूंगा। लाला जी आपने सुना नहीं, नाई और हलवाई दोनों आधा काम छोड़कर नहीं जाते, मुझे शेव करने दीजिए। हेलो, 26,27,127। 26,27,127? सॉरी, मुझे लगता है रॉन्ग नंबर है। अरे ये तो दादू की आवाज है। हेलो हेलो, 26,27,127। अबे बोल तो रहा हूँ 26,27,127। अरे दादू, मैं मेजर शाही बोल रहा हूँ। तूने इतने दूर से फोन नहीं किया? लाला जी साबुन सूख गया है, शेव कर दूं? चुप है। कमाल है। अरे दादू, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। तो कुछ कहना। अरे दादू, वो आपका जो पोता है ना। हाँ हाँ, सुना है तेरे पास है। लाला जी मैं जाऊं, शाम को आ जाऊंगा। बैठ जा। ये लीजिए, बैठ गया, अब आगे कहिए। ओहो, मेरा पोता कहाँ है? ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल शायद वो शायद क्या हो? शायद वो इश्क फरमाने लगे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, ये इश्क मेरी तीसरी नस्ल में भी आ गया। हेलो हेलो दादू। दादू भी कमाल है, ये नहीं सुन रही। सोनी महिवाल का नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट लवर्स ऑफ दैट टाइम। कहते हैं सोनी इस नदी में नहाने के लिए आया करती थी, इस खतरनाक नदी में। पर सोनी को इस खतरनाक नदी में नहाने की क्या जरूरत थी? ये तो सोनी बता सकती थी। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि खूबसूरत लोग अपनी अनमोल जिंदगी की परवाह नहीं करते। हाँ, तो मैं बता रहा था कि नहाते वक्त सोनी ने अपने कपड़े उतारकर उस पत्थर पर रख दिए थे। तो
तूफान आया और सोनी के कपड़े उड़ाकर ले गया। ओह माय गॉड। उधर सोनी का महबूब महवाल अपने सफेद घोड़े पर जा रहा था। सोनी का दुपट्टा उड़ते उड़ते जाके महवाल के गले से लिपट गया। महवाल के गले से लिपट गया। मैडम, ये हवाएं भी बड़ी शरारती हो गई हैं। ये लीजिए। थैंक यू मिस्टर अजय। आपने बताया था कि सोनी का लवर महवाल कहीं दूर जा रहा था, तो उसे कैसे पता चला कि ये दुपट्टा सोनी का ही है? जैसे ये लिपस्टिक देखकर बता दिया था कि कागज का टुकड़ा आपका ही है। Thank you.
शुरू हुआ कर जो तुमसे कभी तो मैं मर जाऊं। क्या हो रहा है मुझे? ये कौन सी जगह है? यहाँ रानी सुंदरबाई भेड़ चराया करती थी। ओह। एक दिन वो एक भेड़ के बच्चे को यहाँ गोद में उठाकर घूम रही थी कि राजा की नजर उस पे पड़ी। बस क्या था, वो उसके कदमों में छुप गया ऐसे। उस रोज से वो खूबसूरत भेड़ चराने वाली लड़की रानी सुंदरबाई बन गई। अब यहां मोहब्बत करने वाले गोल्फ खेलने आते हैं। इस एरिया में लव स्टोरीज बहुत हैं। यहां हर रोज एक लव स्टोरी का जन्म होता है और आज भी हो रहा है। क्या आज भी? चलिए आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, आइए। या कहाँ गए? आइए आइए। स्नो कवर्ड माउंटेन, स्लिपरी है यार। बचके तू भी संभल के चलना। ये वो जगह है मैडम जहाँ पे इश्क की कहानियाँ या तो खत्म होती हैं या शुरू। यहाँ की क्या कहानी है, हमें भी बताओ। लोगों का कहना है कि जो इस पहाड़ के ऊपर जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। कुछ लोग तो आधे रास्ते में फिसल कर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। जो जाता है वापस नहीं आता, मगर ऐसा क्यों होता है? कहते हैं यहाँ पे दो प्यार करने वालों की आत्माएं भटकती रहती हैं। अच्छा, आपने अपना नाम अजय बताया था ना? हाँ। अच्छा। ओ ये क्या? रुक रुक। अरे कहाँ जा रही हो? Anju, oh my God!
यू ऑल राइट? थैंक गॉड. ये क्या कर रही थी आप? मेरा नाम लेकर मिलना चाह रही थी आप? अजय आनंद का नाम? एक मिनट, मैं आपको उठाता हूँ. अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके साथ मेरे नाम की भी मौत हो जाती. अजय आनंद की मौत. I'm sorry. जी मेजर. बॉल वहां गया. बॉल वो रहा. जी. तू यहाँ क्या देख रहा है यार? मेजर मैं देख रहा हूँ कि अंजू दूर वहां खड़ी बिल्कुल रानी सुंदरबाई की तरह लग रही है. और तू कुंवर भगवान सिंह?
अबे साले दीवाना हो गया क्या? हाँ मेजर, मैं दीवाना हो गया हूँ। कल बर्फ में से उसे उठाते वक्त जब इन हाथों ने उसे छुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ, मोहब्बत का एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी सिमट कर इन हाथों में आ गई हो। तो गया काम से। बिल्कुल गया काम से। अब एक काम कर, पहले जाके बॉल ले आ, फिर मैं तेरी आगे की बात सुनता हूँ। जा, गो, डन डन। ओके। हेलो। अबे हेलो के पुत्र, कुछ मेरी बात आगे बढ़ी? पहली बात दादाजी, अब आगा। कौन सी बात? अबे सुबह ही को पी रखी है क्या? अबे वही इश्की बातें। इश्की? दादाजी ये बातें तो दादाजी बता सकती है ना, आप उनसे पूछिए ना। अबे उल्लू के पट्टे, मेरे पोते की इश्की बातें। अबे सुन, डॉक्टर मेरा खाना पीना बंद करवा रहे हैं, मैं मरने से पहले अपने बहू को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, बस अभी उसे बुलाता हूँ, बस आते ही आप खुद ही उसे बोल दीजिएगा। अबे ये बात भी मैं ही कहूंगा, तू उसका दोस्त है, तू क्यों नहीं कहता? और सुन, अगर तूने जरा भी आनाकानी की ना तो इतने लगाऊंगा तू अपना नाम भूल जाएगा, समझे? ठीक है दादाजी। क्या हुआ जी? आज बात हो जाएगी। मुझे मालूम था। शुक्र है। लेकिन वो लड़की कहाँ की है? ये कौन सी जगह है? ये मेम साहब पॉटहिल है। पॉटहिल? जी हाँ। पॉटहिल? जी। ये देखिए सामने ये जो जानवर खड़ा है ना, ये याक है। याक। कहते हैं इसकी पीठ पर बैठकर आंखें बंद करके जो भी कुछ मांगा जाए वो मिल जाता है। वाओ। ग्रेट। I would love to have a ride. Okay, then let's go. चलो 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 सिंदर। नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे, हमें तो बहुत डर लगता है। तुम नहीं, प्लीज अंजू आप लोग जाओ। चलो दोनों डरपोक हैं। हाँ दोनों डरपोक हैं, आओ हम चलते हैं। चलिए सलाम।
जनिया बे जनिया बे खूबसूरत है और आपसे ज्यादा खूबसूरत आपकी आंखें हैं। वापस चले। अजय कहाँ रह गया? कुछ खाने के लिए ला रहा है। गुड, बहुत भूख लगी है। अजय ने बिल्कुल सही कहा था कि ये जगह हेवन है। क्या नजारा है ना? या वेरी ब्यूटीफुल। हाय गर्ल्स, Here's something for you. ये लीजिए, हिमाचल प्रदेश के मशहूर सेब, बहुत टेस्टी जूसी होते हैं। Thank you. आप भी लीजिए। Thank you. क्या सोच रही हैं आप? सोच रही थी कि अमेरिका वापस ना जाऊं, यहीं कहीं एक घर ले लूं। कोई पसंद आ गया क्या आपको? नहीं, मैं सोच रही थी कि मम्मी को यहाँ लेकर आऊं। आई थिंक उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। आप कहीं तो पूरा शिमला खरीद दूं। आप सीरियस अजय? शिमला में रहना चाहती है? क्या वजह हो सकती है? आपका नाम अंजू है ना? क्यों? बचपन से ही नाम है आपका? हाँ बाबा, क्या बात है? कुछ नहीं, नाम में क्या रखा है? नाम तो चीजों की पहचान के लिए होता है, बल्कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो बिना नाम के भी पहचानी जा सकती हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल। सर, एक्सीडेंट में 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं और 1 जवान की टांग टूट गई है, बाकी सब ठीक है। ओके। और सर, 5 राइफल, 1 जीप और 1 हैंड कार्ट बर्फ में दब गए हैं, जिन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश जारी है सर, बाकी सब ठीक है सर। ठीक है, कैरी ऑन सर। जनक प्रसाद जी। सर, तुम रात का खाना खा लो। सर, आज की रात इतनी शराब बस, फिर कल सुबह आप चाय नहीं पी सकेंगे। प्रसाद जी, स्टॉप एडवाइजिंग मी लाइक माय वाइफ। ओके सर, कैरी ऑन। मेजर, क्यों बेचारे पर बिगड़ रहे हो? ठीक ही तो कहता है बेचारा, उम्र के साथ साथ आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। आखिर क्या रखा है इस कमबख्त पानी में? इसमें इसे जो पी लेता है उम्र भर इसका लोहा मान जाता है।
अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? दिन? काश दिन 12 घंटों के बजाय 120 घंटों का हो जाए और मैं अंजू को इसी तरह घुमाता रहूं, उसके साथ रहूं। मेजर, लगता है मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, शायद बचपन में। और हाँ, मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि वो यहाँ शिमला में घर खरीदना चाहती है, और अगर वो चली गई तो मैं जी न पाऊंगा। अजय, जाने वाले कभी कभी लौटते नहीं यार, मेरी बात मान तो अपनी मोहब्बत की डोर से उसे बांध ले, अपने प्यार की जंजीर से उसके पैरों को जकड़ ले, वरना जिंदगी भर मेरी तरह कभी 10 रम तो कभी 12 विस्की। मीजी, ये क्या आप रो रहे हो? ये शाम होते ही क्या हो जाता आपको? चिराग जलते हैं तो मैं पूछने लगता हूं यार, जुदाई के ये जख्म जिंदगी भर चुभते हैं। मैंने तो इतने जख्म खाए कि अब अपना बदन तलाशना भी मुश्किल हो गया है। जिंदगी ऐसे काटी है जैसे मैं हूं ही नहीं। सच कहता हूं यार, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका था। क्या? अजय, आज मैं तुझे बताता हूं, इस मुस्कुराहट भरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ दर्द। सच, मेजर शाही दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें पीछे खदेड़ते हुए बहुत दूर चले गए थे। उन्होंने दुश्मन की फौज को तो खत्म कर दिया, लेकिन लेकिन खुद शहीद हो गए। लेकिन मैं मरा नहीं, मौत मेरे बहुत करीब थी, चंद सांसें बची हुई थी, लेकिन उस वक्त मरना मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि मेरी पलटन में एक जाबाज नर्स थी जिसने मेरी जान बचा ली। मैं चलने फिरने से मजबूर हो गया, क्योंकि चोट लगने से और कई घंटे बर्फ पे बेहोश पड़े रहने से मेरे पैर पैरलाइज हो गए थे। मुझे ठीक होते होते कई महीने लग गए। मैं नहीं चाहता था कि कपाही जाकर अपने राज के सामने खड़ा हो। ठीक होते जब मैं राज के पास गया तो मैं खुशी से पागल हो गया।
मुझे लगा कि मेरी जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर जाएगी। तुम्हारा शाही तुम्हारे लिए वापस आ गया है। मर चुका था तुम्हारा शाही तो आसानी से नहीं मर सकता। आपके मिलिट्री ऑफिसर ने तो कहा था। अरे उसने कहा होगा राज, कह देंगे दुनिया वालों से, कह देंगे सबसे कि शाही मरा नहीं, जिंदा है वो। समझना होगा कि राज भी मर चुके हैं और इस दुनिया में ना कोई राज है और ना ही शाही। ये क्या कह रही हो तुम? बात है, अच्छी दोस्ती निभाई है मेरे दोस्त ने। इन्हें गलत मत समझिए, इन्होंने अपने प्यार को छोड़कर न सिर्फ दोस्ती निभाई बल्कि अपना वादा निभाया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। चेकमेट, क्या बात है मेजर, आज तो तुम मात पे मात दिए जा रहे हो। यार यहां तो मात दे रहा हूं लेकिन सरहद के पार दुश्मनों को मात देना भी बहुत जरूरी है, ये मेरी अन की बात है। मेजर शाही, आज तक तो तुम सारी जंग जीते हो, फिर ये जंग जीतने में क्या रुकावट है? कभी सोचता हूं मैदान जंग में तो किसी को भी गोली लग सकती है, सोचता हूं अगर कहीं गोली मेरे सीने में लगी तो राज का क्या होगा। राज और मैं एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमेशा लड़ाई जीत के घर आए हैं, भगवान कभी भी आपको मुझसे जुदा नहीं कर सकता। राज, मिलिट्री वालों की जिंदगी का क्या भरोसा? मैं डरता हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। सतीश, वादा करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम राज को सहारा दोगे। अगर मुझे पता होता कि मेरा सब कुछ लुट चुका है तो मैं कभी लौट कर नहीं आता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा था राज, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा कहाँ है? क्या मैं उसे मिल सकता हूं?
हृदय जी उठे तो उनकी दुनिया उनसे कितनी दूर चली जाए जिनके लिए वो जिंदा थे और किस बेतरह से टूट जाए मोहब्बत की बरफ में। आग में चल रहा हूं एक बार जो खो जाए ना यार अजय दोबारा उसे पाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए मैं कहता हूं जाते हुए लम्हों को थाम ले यार आप सही कह रहे हैं मेजर भाई कल मैं अंजू को अपने दिल की बात कह ही दूंगा That's my boy. Thanks. अंजू क्या तुम तैयार हो हाँ बाबा मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ वाओ व्हाट अ ड्रेस व्हाट अ कलर यार थैंक यू वैसे इनकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि किसी खास ओकेशन पे जा रही हैं जी हाँ स्पेशल ओकेशन पे जा रही हूँ क्या ओकेशन है हमें नहीं बताओगी बताऊंगी वैसे हमसे क्या छुपा है कुछ तो छुपा है बाद में बताऊंगी एनीवे वो सब चीजें छोड़ो अजय को आज बोलेंगे कि इस जगह पर ले जाए रियली दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वाओ वेरी ब्यूटीफुल है ना हाँ चलें क्या yes. चलो चलो चलते हैं चलो हाँ चल ऐसी पहाड़ियां मैंने कहीं नहीं देखी ऐसा लगता है कि मेरा शिमला आने का डिसीजन बिल्कुल सही था डिसीजन सही था मैं कुछ समझा नहीं सब समझ जाएंगे मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती यहाँ से जाने को दिल ही नहीं चाह रहा है काश इस वक्त अरे आगे तो कुछ बोली ना नहीं कुछ नहीं लगता है जो आग मेरे दिल में लगी है प्यार की वो अंजू के दिल में भी लगी हुई है हे ऊपर वाले काश मैं अपनी अंजू को अपनी दिल की बात कह सकूं और वो मान जाए कहीं और चलते हैं सिमरन इतने दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला हाँ किरण हमें चंडीगढ़ भी तो जाना है ना हाँ करो ये क्या है हर साल शिमला में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और डांस गाने होते हैं इसमें कपल्स होते हैं जो कपल जीत जाए उसे ट्रॉफी मिलती है इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट ओके आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया कई बार सोचा था मैडम मगर मौका नहीं मिला क्यों कोई पार्टनर ही नहीं मिला जी में तो आता है कि इतने बड़े इवेंट में काश मैं भी शामिल होता तो क्या हुआ मैं आपकी पार्टनर बन जाती हूँ Oh really? हाँ अजय, because आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आज खूब डांस करना चाहती हूँ। ये बात है। हाँ। तो hooray! Mahia, 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 Mahia. My
दिया मैंने दिल हाँ तुझे दे दिया माहिया मैंने दिल हाँ तुझे दे दिया आजा माही बाहों में आ जावे आंखों से तू दिल में समा जावे आजा माही बाहों में आ जावे आंखों से तू दिल में समा जावे माहिया साथिया माहिया बेलिया तू मेरी है जिंदगी आंख लगी अभी अभी जो दिल में थी तभी तभी आग लगी है अभी अभी जो दिल में थी तभी तभी ओ माहिया ओ माहिया ओ माहिया ओ माहिया आग लगी है अभी अभी जो दिल में थी तभी तभी ओ माहिया 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 ओ जीना क्या है प्यार बिना दिल क्या है दिलदार बिना जीना क्या है प्यार बिना हंसते गाते गुजरे पल होती रहे ऐसी हलचल माहिया साथिया माहिया बेलिया ना जुदा होना आग लगी अभी अभी जो दिल में थी तभी तभी आग लगी है अभी अभी जो दिल में थी तभी तभी ओ माहिया ओ माहिया ओ माहिया ओ माहिया ओ माहिया ओ माहिया They are the winner. Good. इस दिन का शिनावासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कौन सा कपल मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट का विजेता होगा और हमारी जूरी ने यह डिसाइड किया है कि आज का विनर अजय और अंजू है. गिव देम अ बिग हैंड. Thank you. Yes, yes.
संजू जी, जी अगर दुनिया वालों ने हमें एक दूसरे के काबिल समझकर मेड फॉर ईच अदर का इनाम दे दिया है तो क्यों ना हम इस फैसले को रियलिटी में बदल दें? क्या मतलब? मतलब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं, एक दूसरे का हाथ थाम लें। I love you, Anju. Mr. Ajay, खेल में जजों के फैसले खेल के लिए होते हैं, जिंदगी के लिए नहीं, और ना ही जिंदगी खेल है। मेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है और उसके मुताबिक मैं और राहुल एक दूसरे के लिए बने हैं। आज वो अमेरिका से आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, हर पल हर घड़ी तुम्हें याद किया करती थी। देखो ना, आज मैंने ड्रेस भी तुम्हारी पसंद का पहना है और सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। I miss you too. इसीलिए तो अमेरिका से आया हूँ तुमसे मिलने। और राहुल, मैं तो तुम्हें अजय से इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। अजय प्लीज यहाँ आओ ना। राहुल ये मिस्टर अजय है, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। हम जब से शिमला आए हैं तब से इन्हीं की टैक्सी में घूम रहे हैं। ओह, तो ही इज अ टैक्सी ड्राइवर, हाँ? शक्ल से लगते नहीं है। राहुल साहब, कई बार शक्लें धोखा देती हैं। जो आदमी दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। खैर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ओके अंजू, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। सी यू लेटर, बाय बाय। मिस्टर अजय, आप कल जरा जल्दी आ जाइएगा। हम राहुल को वो सब जगह घुमाएंगे जहाँ हम गए थे। ओके अंजू, बाय बाय। राहुल देखो, ये तुम्हारे लिए रूम बुक करवाया है। अच्छा है ना? गुड, वेरी गुड। अच्छा राहुल, तुमने अजय से हाथ क्यों नहीं मिलाया? टैक्सी ड्राइवरों से हाथ नहीं मिला जाता, उन्हें टिप दिया जाता है। डार्लिंग, वो ऐसा टैक्सी ड्राइवर नहीं है। तो कैसा ड्राइवर है वो? ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। Here every second man is a crook. ये बात तुम नहीं समझते। ये तुम्हारी गलत फहमी है। इट इज शेयर बैड लक कि वो टैक्सी चलाता है, वरना वो पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, बेटी है, और आज हम दोनों ने मिलकर मीट फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट भी जीता है। कमाई ट्रॉफी भी मिली हमें, हमने बहुत एंजॉय किया। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम दोनों ने साथ में डांस किया, उस अदने से टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हें इतना इंप्रेस कर दिया? शुरू शुरू में चीट नहीं करना भी चीट करने का एक तरीका होता है। धोखेबाज है साला। धोखा उसने दिया नहीं बल्कि खाया है। कैसे? प्यार करने लगा था मुझे। तुम्हें प्यार करने लगा था उस कमीने टैक्सी ड्राइवर की? ये मजाल, और तुमने उसे अपने पास आने दिया? अरे नहीं नहीं, मैंने उसे सब बता दिया है कि तुम मेरे मंगेतर हो और मेरी तुमसे शादी होने वाली है। आई लव राहुल। अजय, अंजू राहुल की मंगेतर है, किसी और की अमानत है। हम किसी और की अमानत को कैसे छीन सकते हैं? सब्र करो भाई, सब्र करो। नहीं, सब्र राहुल को करना पड़ेगा। अंजू मेरी है और मेरी ही रहेगी। राहुल को बहुत सी अंजू मिल जाएंगी, लेकिन मुझे सिर्फ यही अंजू चाहिए बस। अरे पागल हो गए हो तुम, अंजू ने खुद इनकार किया है
तो फिर ये वन साइडेड लव से क्या फायदा? देखो मैं तो कहता हूँ इस पूरे एपिसोड को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मेजर शाही, ये आप कह रहे हैं? जो खुद किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? अंजू अगर शिमला आई है तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। अंजू सिर्फ मेरे लिए आई है, भगवान ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। बस यार क्या कर रहा तू? अच्छा ठीक है, अंजू मेरी है। हाँ मेरी रहेगी। हाँ तुम्हारी मेरी ही रहेगी। वो तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। वो तुम्हारी है बस। यार मगर इतना मत दी, सुबह कैसे उठ पाएगा? हाँ बस रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। होकर आ गए ना, अब चलते हैं। छोड़ो ना अंजू, कितना खूबसूरत मौसम है, कितनी खूबसूरत फिजा है। ये व्यू तो देखो ना जरा, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज यहीं बैठते हैं, लंच करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें पूरा शिमला घुमाऊं। यार मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। तुम भी ना, चलते हैं हम लोग। दुनिया देखी है मैंने, अब शिमला में ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा? जो जो मैंने देखा है मैं चाहती हूँ तुम्हें सब दिखाऊं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चलते हैं। तो चले। आइए आइए राहुल साहब, ये देखिए, देखिए इन प्यारी वादियों को, कितने खूबसूरत हैं। आप तो यहाँ पहले भी आ चुके होंगे ना? मैं तो हिंदुस्तान आना ही नहीं चाह रहा था, अंजू की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। बहुत गंदगी है यहाँ पर। ये धरती हमारी माँ है राहुल, और माँ से मोहब्बत करते वक्त उसकी शक्ल नहीं देखी जाती। तुम्हें यहाँ पर गाइड के जैसे रखा गया है, अपना काम करो, नसीहत मत दो मुझे। राहुल प्लीज चलो ना, आगे चलते हैं, चलो। चलिए प्यारी नदी है। राहुल वो देखो कितना सुंदर फूल है। हाँ है, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? कुछ डिफरेंस आने लग रहा, जैसे पत्थर पर उगा हो। यार इसमें वंडरफुल वाली कौन सी बात है? कई बार किसी जानवर के मुंह से दाना गिर जाता है और ऐसा फूल उगाता है। नहीं मिस्टर राहुल, ऐसे फूल को कुदरत का करिश्मा कहते हैं, द लव फ्लावर। ये रेड वैरायटी का फूल है। लव फ्लावर। और इसकी खूबी ये है कि उन्हीं को नजर आता है जो असलियत में मोहब्बत करना जानती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। राहुल प्लीज वो फूल ला दो ना। पागल हो गई हो क्या? एक मामूली से फूल के लिए अपने हाथ पे थोड़ा लो। अरे किसी फ्लावर से खरीद लेंगे यार। ऐसे फूल दुकानों में नहीं मिलते हैं राहुल साहब। Then go bring it. Sure. Madam, may I? आपको पसंद है तो मैं लाऊं? ठीक है ले आता हूँ। अंजू तुम देख लेना, अजय फूल लेकर ही लौटेगा। बहुत तरफदारी हो रही है ड्राइवर की। मिस्टर राहुल आप बार बार उसे टैक्सी ड्राइवर क्यों बुला रहे हो? तो क्या कहूँ सर, अजय कुमार। राहुल हमें एंजॉय करने आए हैं, बहस करने नहीं। Thank you.
तो बस मामूली सी खरोच है मैडम। बैंडेज वगैरह है क्या? नहीं। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए था। मैडम आपके लिए तो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ मैं। चले। हाँ जी। ओके अंजू बाय बाय, हम बाद में मिलेंगे ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो तुम? राहुल तुमने जानबूझ के मेरे हाथ से फूल गिरा दिया और उस पर पैर रख दिया। मेरा बस चलता ना तो उस फूल और उस टैक्सी ड्राइवर को उसी वक्त अपने पैरों तले कुचल देता जब उसने तुम्हें वो फूल दिया। राहुल ये फूल मुझे पसंद था, मैंने तुमसे कहा और तुम नहीं ला सके तो उसने ला कर दे दिया, क्या खराबी है इसमें? आज तुम्हें फूल दिया है, कल तुम्हें अंगूठी पहनाएगा, वो भी पहन लोगी तुम? राहुल, you're crossing your limit. ये मत भूलो कि तुम मेरी मंगेतर हो। भूल तो तुम रहे हो, शक कर रहे हो मुझ पर, एक नेक इंसान पर जिसने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। ओहो, अब समझा, तो तुम उसके एहसानों का बदला चुका रही हो उसके करीब जाकर। अच्छा ये बताओ, ये एहसान का बदला कब तक चुकाते रहोगे? राहुल शट अप, यू शट अप। तुम इस आदमी की तारीफें कर रही थी जो इतना शक्की है, झूठे गुरूर से भरा हुआ है, जो अपनी धरती का भी सगा नहीं है। यार हम तो पहले दिन से ही उसके बिहेवियर से हैरान है, सारी उम्र कैसे काटोगी? अंजू राहुल के पास दौलत जरूर है लेकिन उसके पास वो दिल नहीं है अंजू जो तुम्हें प्यार कर सके। हमने सब देख लिया है, कैसी बातें कर रहा था वो। मोहब्बत करने वाले ऐसी बातें तो नहीं करते ना अंजू। और दूसरी तरफ अजय को देखो, चार दिन ही साथ रहा है मगर ऐसा लगता है जैसे बचपन से साथ रहा हो। वो हमारे लिए कभी अजनबी था ही नहीं। उसके पास राहुल जितनी दौलत बेशक ना हो लेकिन तुम्हारे लिए प्यार की कमी नहीं अंजू। जरा समझो, दौलत के बिना जिंदगी काटी जा सकती है पर मोहब्बत के बिना नहीं। अंजू हेलो हेलो आंटी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। आंटी पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। क्या? आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या हो गया? अंजू तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर क्या हो गया? आंटी आपकी बेटी एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार करने लगी है, पता नहीं इस टैक्सी ड्राइवर ने इस पे क्या जादू कर दिया है। वो बदल चुकी है, मुझे नहीं लगता वो वापस लौटेगी। राहुल तुम ये क्या कह रहे हो? जी हाँ आंटी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ जाइए और अजीत और सुजीत को भी साथ में लाइएगा। हाँ हाँ लाऊंगी, जहाँ इतने एहसान किए बेटा मुझ पर, एक एहसान और कर दो। जी कहिए आंटी। मेरे आने तक सबर से काम लेना बेटा, मैं आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है आंटी, जैसा आप कहेंगी
वैसा ही होगा। स्नोफॉल के बाद शिमला कितना ब्यूटीफुल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। हाय सिमरन, हाय किरण। हाय अजय। मुझे आप लोगों ने यहाँ अकेले में मिलने के लिए बुलाया, क्यों भाई? अजय, हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि तुम अंजू से बहुत प्यार करते हो। ये आप लोगों को कैसे पता चला? उस दिन इतनी मुश्किल से अंजू के लिए फूल तोड़ कर लाए तो हमें यकीन हो गया कि आप अंजू से बहुत प्यार करते हैं। वैसे अंजू भी आपसे कहीं ना कहीं प्यार करती है, ये हमें भी महसूस हो रहा है, लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रही है। वैसे हम आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कल अंजू का बर्थडे है, बाकी आप समझ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कहीं उसका 21वां जन्मदिन तो नहीं? जो भी हो, बर्थडे एक लड़की के लिए बहुत सेंसिटिव डे होता है, अगर कोई उसे चाहे तो। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। अब मुझे क्या करना है मैं समझ गया। ये! Happy birthday, Anju ji. Thank you. लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? आपके हर खूबसूरत दिन का हिसाब किताब है हमारे पास। So sweet. अजय, आज हमें कहीं नहीं जाना, तुम टैक्सी लेके वापस जाओ। टैक्सी? राहुल साहब, मैं साइट सीइंग करने नहीं आया हूँ, आपको इनवाइट करने आया हूँ। आज अंजू जी के जन्मदिन का केक हमारे क्लब में काटे। यहाँ पर क्या टैक्सी वालों का भी क्लब होता है? आप हमारा इनविटेशन तो कबूल कीजिए राहुल साहब। फिर देखिए, मेरा वादा है आप मायूस नहीं होंगे। अंजू जी, शाम को आप तैयार रहिएगा, आपको लेने कोई जरूर आएगा। जी जरूर, श्योर मैं आऊंगी। आप इतने प्यार से चुप बुला रहे हैं। अरे यार, दिल पर काबू रखो, इतनी बेसब्री से इंतजार मत करो, वो आती होगी। बी ब्रेव मैन। जरा गुस्सा संभालो, अपने आप को बहुत पी लिया तुमने। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, वो आते ही होंगे। Major, are you all right? Yeah, I'm fine, thanks. Kiran, अच्छा डेकोरेट किया है। Very nice. Excuse me, Major. अंजू आ गई है। Go, go. Okay, okay. Welcome, Anju. Hi, Ajay. Happy birthday. Thank you. Hi, Rahul. Hi, Ajay. Hello, girls. Hi. Please come. Come. चलो. ये हैं Major Shahi, मेरे family friend, philosopher and guide. Hello. Rahul. Hi, Rahul. और ये हैं Anju. Happy birthday, Anju. Thank you. Many happy returns of the day. अहमद चाचा, आइए। चलिए चाचा। ये हैं अहमद चाचा और अहमद चाचा ये हैं अंजू। आदाब। राहुल। आदाब। आदाब। और अंजू की फ्रेंड्स। आदाब। नमस्ते। और अंजू, ये अहमद चाचा हैं जिनकी टैक्सी में चलाता हूँ। ये चाची। हेलो, आदाब। और ये है जॉनी, टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट।
यहाँ सिर्फ टैक्सी वाले ही आए हैं या? अंजू आइए ना, आपका केक तैयार है, प्लीज आइए, प्लीज आइए, एवरीबॉडी कम, आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। Yeah.
Bloody hell! शहर में कौन माइकल आल पैदा हो गया है जिसने हमें गाली देने की जरूरत की? तुझे और तेरे शहर को खरीद सकता हूं मैं। अच्छा, तू इस शहर का भाई है, फैक्ट्रियों का मालिक है या मिनिस्टर का बेटा है? नहीं, तू अंग्रेजों का हवलदार लगता है। Shut your freaking mouth and behave yourself. चलो राहुल। तेरी ये स्वीट हार्ट बड़ी समझदार लगती है। हाँ? देखने में भी बड़ी सोनी कुड़ी है। हाँ? निकल ले यहां से, निकल ले, नहीं तो मेरे ये दोस्त है ना, तुझे ऐसी खाई में फेंकेंगे जहां का रास्ता सिर्फ ऊपर जाता है। क्यों मेरी छमियां? क्या हो रहा है मनोज सिंह? छोड़ दे, इसने मुझे गाली दी है, छोड़ूंगा नहीं इसे। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे गेस्ट हैं। ठीक है अजय, तेरे दोस्त और गेस्ट हैं तो छोड़ दिया, छोड़ दिया गेस्ट। सुनिए क्या लग रही है। Hey! अरे तेरे को क्या हो गया? How dare you touch her? अबे मेजर, ये तुम्हारा झगड़ा नहीं है, बीच में मत पड़ो। अमन और शांति का दुश्मन देश के अंदर हो या सरहद के पार, गोली मार देना चाहिए उसे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, गेट आउट ऑफ हियर। आउट। ऐसे लोग मिलते रहते हैं। चलो। देख लिया तुमने चीप लोगों की पार्टियों में जाने का अंजाम। मैंने कहा था ना तुमसे, यहां तुम्हें हर मोड़ पर कुंडे और मवाली मिलेंगे। शुक्र करो मैं वहां पर था, वरना वो कुंडे तुम्हें उठा कर ले जाते। मुझे तो इसमें भी उस अजय की चाल नजर आ रही है। राहुल, एक तो उन लोगों ने हमें रिस्पेक्ट दिया, ऊपर से तुम उन्हें बुरा भला कह रहे हो। यू फूल, तुम उनकी चाल नहीं समझ सकती। वो लोग हमें क्या रिस्पेक्ट देंगे जिनकी खुद की कोई रिस्पेक्ट ना हो।
तुम क्या और पटांग बातें कर रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। तुम अपनी बात करो, तुम्हें नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो। समझ गया, अब तुम्हारे दिल में उस इंसान के लिए कोई कदर नहीं जो सिर्फ तुम्हारे लिए अमेरिका से आया है, बल्कि तुम्हें थर्ड क्लास टैक्सी ड्राइवर अच्छा लगने लगा है। अच्छा तो क्या, तुम तो उसके बगैर जी ही नहीं सकती ना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें ऐसे धोखेबाज लोग हर मोड़ पर मिलेंगे। किस किस से दिल लगाओगी तुम? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? अगर तुम ये समझते हो तो यही सही। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। Shut up, राहुल, you just leave me alone. चले जाओ यहाँ से। दिन का हिसाब किताब है हमारे पास। ये फूल आपकी फरमाइश है मैडम। थैंक यू। अरे ये क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। मामी से खरोच है मैडम। मोहब्बत करने वाले ऐसी बातें तो नहीं करते ना अंजू। और दूसरी तरफ अजय को देखो, चार दिन ही साथ रहा है मगर ऐसा लगता है जैसे बचपन से साथ रहा हो। अगर दुनिया वालों ने हमें एक दूसरे के काबिल समझ कर मेट फॉर ईच अदर का इनाम दे दिया है तो क्यों ना हम इस फैसले को रियलिटी में बदल दें। I love you, Anju.
मुझे। तुम उसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। तुम अगर जिंदगी में ना हो तो ये सांसें बंद हो जाएंगी। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ अजय, बहुत प्यार करती हूँ। और राहुल? सिर्फ तुम हो अजय, और कोई नहीं, सिर्फ तुम। I love you अजय, I love you अजय, I love you। Mom, Rahul. हाँ. ओ. आंटी. राहुल बेटा. Hey Rahul. Hey, how was the trip? Fine. Hello. Hey. अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। कल रात अंजू ने अपना जन्मदिन भी उसी गाइड के साथ मनाया। पता नहीं क्या जादू किया उस गाइड अंजू पर। तुम फिक्र मत करो राहुल, हम लोग आए इसीलिए हैं। डोंट वरी राहुल, हम लोग यहाँ पर शिमला घूमने के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन को वापस अमेरिका ले जाने के लिए आए हैं। समझ में नहीं आ रहा राहुल कि उस टूरिस्ट गाइड ने मेरी बहन पे ऐसा क्या जादू किया है। आई कैंट बिलीव दिस। लेकिन देखते हैं, अगर नहीं माना तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होने वाला। अंजू बालिग है और जिद्दी भी। और ये मत भूलना कि हम लोग एनआरआई हैं। तुम लोग बेकार की बहस कर रहे हो, मुझे हालात को समझने तो दो। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मुझे उस गाइड से भी मिलने दो। यस राहुल, मामा ठीक कह रही है। देखते हैं कहीं वो पैसे की लालच में तो नहीं फंसा रहा हमारी बेटी को। अगर कर रहा है तो उसका भी रास्ता है हमारे पास। चलिए आइए, चलिए आइए। अंजू, हे सिस, आइए ना। आ, आ जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मम्मा, मैं आपको खुद फोन करने वाली थी। और देखो हम लोग आ गए। क्या बात है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन ना ही कोई फोन कॉल। हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे और अजीत और सुरजीत काम से ब्रेक चाहते थे। Yes, very true. अच्छा हुआ, they will enjoy here. अच्छा ये बता, तुझे इंडिया पसंद आया? इंडिया, इंडिया इज हेवन मम्मा। इंडिया और इंडिया के लोग बहुत खूबसूरत हैं। चलो ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपको इंडिया बहुत पसंद आया। अब बस दो चार दिन एक साथ घूम लेते हैं, फिर सब के सब चलते हैं वापस। मम्मा ऑनेस्टली मैं इंडिया से नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। प्यारी बहन, कहीं तेरी मत तो नहीं मारी गई? लोग अमेरिका जाने के लिए क्या क्या नहीं करते और तू यहाँ सेटल होना चाहती है? What nonsense? जब हम लोग अमेरिका में सेटल हो गए हैं तो तुम कहती हो कि तुम्हें इंडिया में रहना है? Are you crazy? भाई जी, आपको अमेरिका अच्छा लगता है तो हम आ रहे हैं, मुझे इंडिया अच्छा लगता है। ओफो, अब तुम लोग झगड़ा मत शुरू करो। कुछ दिनों के लिए आए हो, सैर सपाटा करो। अच्छा अंजू, तुम हम लोग को कहाँ घुमाने वाली हो? ठीक है मम्मी, मैं आज ही अजय को फोन कर देती हूँ, वो आ जाएगा। कौन अजय? आप मिलेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ मेजर, अजय की खातिर मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। उसे इतना प्यार देता हूँ कि वो अपने माँ बाप की कमी को महसूस न करे। मैं आ रहा हूँ, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हुआ जी? बस शिमला जाने की तैयारी है। सब सुख तो है ना? सब ठीक है, बस अजय को हमारी जरूरत है। जब से मम्मा पापा प्लेन क्रैश में गुजर गए, दादा दादी के बे इंतहा प्यार के बावजूद मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन अंजू को पाकर लगता है कि खुशियां लौट आई हैं। हेलो अंजू।
How are you? How are you? Very nice to see you. Yeah, same here. Mummy से मिलिए. Very ponan. जीत है. और ये दोनों मेरे भाई, सुरजीत भैया और अजीत भैया. Hi Surjeet. Hi Ajit. Nice to meet you. आज हमें कहाँ घुमाने ले जाएंगे? पहले आप लोग गाड़ी में बैठे तो सही. आइए. Okay. Thank you. Come on. अरे वाह, बहुत खूबसूरत जगह है. ये कहाँ ले आए ड्यूड? गुड, वेरी गुड. ये तो किसी महाराजा का पैलेस लगता है. ये एक ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को बर्थडे गिफ्ट दिया था. ओह माय गॉड, कितना लकी होगा वो ग्रैंडसन. कौन है वो? आइए मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ. आइए आइए. चलिए चलिए चलिए. आइए. जी आओ बेटा, आओ. मैं तुम्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था. आओ बैठो. नमस्ते मेजर शाही. नमस्ते दादाजी. ये अंजू है. नमस्ते दादाजी. ये अंजू की माँ है. ये अंजू के भाई हैं सुरजीत, अजीत और ये इनके दोस्त राहुल. और ये हैं मेजर शाही. तशरीफ रखिए. आई बैठिए. आइए अंजू बेटे, इधर बैठो. आप लोग बैठिए ना, बैठिए. अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप मालती हैं. जी लाला जी, आपने ठीक पहचाना. ये अंजू है. बचपन में आप इसे लेकर के अमेरिका चली गई थी. हमने तो सोचा भी नहीं था कि किस्मत आज हम लोगों को यहाँ इकट्ठा कर देगी. इनके जाने के बाद मेरा पोता बरसों इनके लिए आहें भरता रहा, बहुत प्यार करता था. आज उसके दुआओं का असर है कि अंजू यहाँ पर आई और उससे मिल गई. मैं अब देर नहीं करना चाहता. अभी पंडित को बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेता हूँ. लाला जी, हम यहाँ सगाई और शादी के इरादे से नहीं आए थे. मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपने बेटों के साथ मशवरा कर लूं, फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ. सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मशवरा कर लीजिए ना. हाँ जी शुक्र, मैं देरी क्यों. लाला जी, आज रात का तो वक्त आपको हमें देना ही पड़ेगा. जो भी काम करें ठीक तरीके से करें. हम कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं ना. अब इजाजत दीजिए. कुछ देर और तशरीफ रखिए ना. क्या नाश्ता आ रहा है? नहीं लाला जी, आज मुझे इजाजत दीजिए. मैं कल फिर आपके पास आऊंगी. चलो अंजू. नमस्ते जी, कल हम आपका इंतजार करेंगे. जी चलो अंजू. नमस्ते बेटा. नमस्ते. आओ बेटा बैठो, बैठो यहाँ. दादाजी, आप इन्हें कैसे पहचान गए? बेटा ये बहुत पुरानी कहानी है, तुम्हें फिर कभी बतलाऊंगा. पहले तुम्हारी शादी तो पक्की कर लूं. मैं लाला जी के घर में अजय की गवर्नेंस की नौकरी करती थी. मैं इतना नहीं कमा पाती थी कि तुम लोगों का फ्यूचर सवार सकूं. उसी वक्त राहुल के दादाजी ने मुझे दादी माँ की देखभाल करने की नौकरी का ऑफर दिया. दादी माँ अपाहिज थी. उन्होंने मुझसे ये भी वादा किया कि वो तुम तीनों की देखभाल करेंगे, तुम लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देंगे. उन्होंने अपना वादा निभाया.
और देखते ही देखते तुम लोग बड़े हो गए। राहुल ने तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी करने का इजहार मेरे सामने किया। इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या हो सकती है। एक बात याद रखना बेटा, मैं कल भी उनकी वफादार थी और मरते दम तक उनकी वफादार रहूंगी। मम्मी, आप उनके घर में काम करती थी, मुझे याद आ रहा है, उस वक्त का भी अजय मेरी इज्जत करता था। और ये भी याद आ रहा है कि दादाजी मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। फिर हम इंडिया छोड़कर चले गए, आज फिर मिले, एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक दूसरे से प्यार कर बैठे। आपको ऐसा नहीं लगता? भगवान भी यही चाहता है मम्मी कि अजय और मैं एक दूसरे के लिए हैं। भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है मम्मी। भगवान ने ही हमें अमेरिका भेजा था बेटा, और वहाँ हमें राहुल मिला। हमारी हैसियत जाने के बावजूद राहुल ने तुम्हें पसंद किया, तुम्हारे भाइयों को अपने भाइयों जैसा चाहा। इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या हो सकती है बेटा। राहुल से अच्छा पति तुम्हारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबको जानती थी मामा, इसीलिए राहुल से शादी के लिए तैयार हो गई। उस वक्त मैं प्यार को नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे प्यार का एहसास हो गया है। मामा, I love Ajay very much. Please, mama. लेकिन अंजू, तुम्हारे इसे एक फैसले से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। माई डियर सिस, हम शायद वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से 20 साल पहले मॉम हमें लेकर चली थी, समझी तुम? हाँ अंजू, अब तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो हम आबाद हो जाएं, चाहो तो बर्बाद हो जाएं। राहुल ने मुझसे वादा किया है कि वो टोरंटो की फैक्ट्री में हम दोनों ब्रदर को पार्टनरशिप दे रहा है। जी, मैं सोच रहा था ये सगाई वगाई क्या होती है, सीधे इन दोनों की शादी करा देते। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि पंडित जी तो आने वाले हैं, अब बस हवन कुंड जलाने की देरी है, अंजू के आते ही इनके फेरे करा देते। 14 फेरे मेजर, 14 फेरे। अच्छा, तो इस जन्म के साथ और अगले जन्म के भी है? हाँ जी, हाँ जी। दादाजी, अरे काफी देर हो गई, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? हाँ, आए नहीं अभी तक। अजय तो जाके देखना यार, कहाँ है वो? हाँ जी, मैं यू गया और यू आया। ओके, वेरी गुड। बड़ा भोला बच्चा है जी। रसिकलाल ने पैसे भिजवाए? बोला था शाम तक पैसे ले। माल रोड वालों का क्या हुआ? 24 घंटों में पैसे नहीं भिजवाए तो साले की टांगे तोड़ देना। स्टॉप हियर। ये हिम्मत, तुम्हारे मतलब का काम है। यही एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं दुश्मन को भी दोस्त बना सकता हूं। बोलो काम क्या है? अजय आनंद को तो जानते ही हो। उसकी टांगे तोड़नी है ताकि वो फिर कभी हमारे पास चल के ना आ सके। सिर्फ टांगे ही तोड़नी है या हमेशा के लिए? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ टांग तोड़ दो बस इतना ही काफी है। हाँ, तुम्हारा प्लान समझ में आ गया। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, काम हो जाएगा। जाओ। एक्सक्यूज मी, जल्दी से 500 कनेक्ट करिए प्लीज। वो तो सुबह चेकआउट कर गए। कहाँ गए हैं? 1:10 की दिल्ली की फ्लाइट थी, वह सारे दिल्ली चले गए। अरे बाप रे, ओह माय गॉड।
टिकट प्लीज, ये अपनी टिकट रखो। अंजू मत जाओ, अंजू, अंजू, अंजू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी तुम? माँ ने अपनी मोहब्बत का सिला मांगा है और भाइयों ने अपने प्यार का वास्ता दिया है। मैं नहीं गई तो उन सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मुझे अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अजय, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरा इंतजार अगले जन्म तक करना पड़ेगा, इस जन्म में तुम्हारी ना सही लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी जरूर होगी। प्लीज अजय, मुझे गलत मत समझना, प्लीज अजय। रो मत अंजू, दूसरा जन्म लेने में कौन सी देर लगेगी, वो भी अपनी अंजू के लिए। दूसरा जन्म आज ही हो जाएगा, मैं बहुत जल्द दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा इंतजार करना। अजय, अजय, बस अंजू, अब हम लोग का तमाशा मत बनाओ। मम्मी, अजय अपनी जान दे देगा, ये सचिन को आपने अपनी गोद में खिलाया है, आप उसकी लाश देख पाएंगे। मैं राहुल से शादी कर तो लूं तो सिर्फ एक लाश की तरह रहूंगी, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। मम्मी, अच्छे के उस मासूम बचपन को याद कीजिए जब आपकी गोद में आकर आपको मम्मा बोलता था, आज वो अपनी जान देने जा रहा है। अगर वक्त निकल गया तो आपको बहुत पछतावा होगा। एक तरफ अजय की मौत और दूसरी तरफ आपकी बेटी की जीते जी मौत। नहीं बेटा नहीं, जा अपने अजय के पास। हाँ जो, जा अपने अजय के पास। मामा आप, जा अपने खुशी के पास। जा बेटा जा, जाके रोक ले अजय को, मेरे अजय को, अपने अजय को। अब कुछ मत सोच बेटा, जा, तेरी खुशी वही हमारी खुशी।
बनाए चांद सितारे फूल खिलाए प्यारे प्यारे तूने चलाई सर्द हवाएं तूने उठाई नर्म घटनाएं मेरी मंसूब है तू मेरी नजर में तू तन्हा है फिर भी तेरा हर सू जलवा है हर चेहरा पहचान है तेरी हर जर्रे में शान है तेरी मेरे भी कुछ काम बना दे मालती देवी ने अंजू की शादी राहुल से तय कर दी है क्या हालांकि अंजू अजय से प्यार करती है लाला जी इसने अजय को किलर हिल की तरफ जाते हुए देखा है क्या हाँ मैं चिल्लाता रहा मुड़ कर मुझे भाग की तरह दौड़ा रहा था मैं डर गया दादाजी आप फिक्र मत कीजिए मैं देखता हूँ मैं भी चलता हूँ मैंने मैंने कहा ना आप यहाँ रुके मैं उसे ले आता हाँ मैं भी चलता हूँ मेजर साहब आपके साथ हाँ चलो
कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती अजय, नहीं जी सकती। अंजू, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझसे कभी दूर मत जाना अजय, कभी दूर मत जाना। कभी नहीं। अजय बाबू, भाई दूसरा जन्म तो तुम्हें लेना ही होगा। अंजू, तुम फौरन यहां से जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अजय, छोड़ दो उसे,
क्या तुमने? तेरा बहुत हो चुका है। आई गो स्ट्रेट बिहाइंड बॉस। अरे सुन, अंजू, 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 ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा अंजू, तुम अंजू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है? मामा जो ढूंढ गोली छू के निकल दी। हे भगवान, I'm sorry, Anju. I'm sorry. जो कुछ भी हुआ, I'm sorry for that. तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान दे रहे थे? अरे मेरी अंजू तो इन पहाड़ों में कहीं खो गई है। ये तो तुम्हारी अंजू है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के लिए जान दे रहे हो। मुझे तो कोई दूसरी अंजू शायद मिल भी जाए, लेकिन तुम्हें ऐसा अजय जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा, और ना ही तुम्हें दूसरी अंजू मिलेगी। टेक केयर ऑफ अजय। मेरा क्या, हैव अ गुड लाइफ। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, जीते रहो जीते रहो। मालती जी, सगाई के मुहूर्त कब निकाली जाए, कुछ कहेंगी आप? लाला जी, मेरे ख्याल से शुभ काम आज ही हो जाए तो बेहतर। अरे नहीं 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 नहीं, आज का दिन शुभ नहीं है, इतनी मारपीट हुई है। क्यों ना अगले महीने की 15 तारीख ठीक रहेगा? बिल्कुल है? मेजर, ये क्या हो गया आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। अच्छा, तो फिर आप सबको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? दोष लगाई बगाई क्या एक शादी और वो भी आज? क्या हो रहा है मुझे समझ में ना आए, क्या हो रहा है मुझे समझ में ना आए, क्या हो रहा है मुझे समझ में ना आए। अरे अरे कोई मेरा दिल लिए जाए, अरे अरे कोई मेरा दिल लिए जाए। अरे अरे तू ही मेरा।